हर औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा होता है रसोड़ा। जलवा तो हम भी दिखा सकते हैं, पर हलवा बनाने से फुर्सत मिले तब ना। सुबह से शाम तक किचन में खड़े खड़े हमारी हालत प्रेशर कुकर जैसी हो जाती है, इसलिए हम हमेशा फटने के लिए तैयार रहती हैं। पर हर रात खुद को यही समझा के सो जाती हैं, जब भाग में हो रोड़े तो कैसे मिलेंगे पकौड़े। आज कायरी सब्जी बनावो, रोज मारे तो टेंशन, आलू बनावो के गोभी बनावो, मोल लुगाई औरे और रोज टेंशन, आदमी औरे तो कोई है खाली बुक है, मन वेज को बना दे का बनावे। कैसी जगह नौकरी लगवाई थी मेरी, छोड़ दी मैंने नौकरी। नौकरी छोड़ दी? अरे पर क्यों छोड़ दी, तेरा तो आज पहला ही दिन था ऑफिस का। वो ही तो, पूरे स्टाफ को तनख्वाह दिया जिन्होंने, बस मुझे ही नहीं दी, इसीलिए छोड़ दी। चलो यार वीडियो बनाते हैं। जी नहीं, अभी मैं नहाई नहीं हूँ और बिना नहाई मैं अच्छी भी नहीं लगती। अरे ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम बिना नहाई अच्छी नहीं लगती, तुम नहा के भी अच्छी नहीं लगती। सुनो। हाँ। ये सब्जी में नमक नहीं डाला तूने? वो सब्जी जल गई थी। हाँ तो? तो क्या, हम संस्कारी परिवार से हैं, हम जले में नमक नहीं छिड़कते। अगर आप सोचते हैं कि मेरी बीबी से अच्छी तो मेरी साली है, अगर मेरी शादी मेरी साली से हुई होती तो जीवन कितनी शांति से बीतता। तो दोस्तों जरा अपने सांडू भाई को फोन लगाओ, वो भी यही सोच रहा होगा। सुनो, हम ऐसे लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ समझौता आप कर लो, कुछ समझौता मैं कर लेती हूँ। चल ठीक है, वैसे मैं भी यही सोच रहा था, क्या करना पड़ेगा? आप मुझे सॉरी बोल दो, मैं आपको माफ कर दूंगी। शुगर बढ़ गई है, डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को बोला है। अब मैं अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खाकर पी लेना, फीकी लगेगी। दरोगा जी, स्नैक खाएंगे का? भाभी जी, आप हमको सांप खिलाओगे? हटिया का बात कर रहे हैं, हम तो नाश्ते की बात कर रहे हैं, नाश्ते की। अच्छा अच्छा, स्नैक्स की बात कर रही हैं। सही पकड़े हैं। हेलो गूगल, शादी के समय दुल्हन को दाईं तरफ बिठाना है या फिर बाईं तरफ बिठाना है? देख लो जैसा आपको ठीक लगे, बाद में तो सर पर ही बैठेगी।